तो गाइस हमको सबसे पहले SBI कलेक्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद ओपन होगा, उसके बाद टिक करके प्रोसीड पे दबा देना। उसके बाद महाराष्ट्र डाल देना इसका जो है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गो पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नेम जिसका जो है वो डालना। मेरा संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, इसलिए मैं वो डालूँगा। उसके बाद पेमेंट कैटेगरी यूनिवर्सिटी एग्जाम फी। उसके बाद अपना नेम, फर्स्ट नेम वो डालना। उसके बाद मिडल नेम डालना अपना, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, और उसके बाद एग्ज़ाम सेमिस्टर। उसके बाद समर या विंटर, उसके बाद कौन से साल में देने वाले हैं आप वो डालना। नेम ऑफ कॉलेज डालना। मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी और डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उसकी डेट डालना। अमाउंट डालना। उसके बाद रिमार्क में जो भी आप कर रहे हैं एग्ज़ाम फी वो लिख देना। उसके बाद बैंकिंग की डिटेल रहती, उसमें कार्ड किसी का भी हो लेकिन अपना ही नाम डालना। ये सब भर लेना, ईमेल आईडी और टेक्स्ट डालना लास्ट में जो दिया है वो। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना। उसके बाद इधर ऑप्शन मिलेंगे अपन को, जिसका SBI का कार्ड है वो SBI पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन, जिसका नहीं है वो अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, UPI का भी है। सिलेक्ट करने के बाद अपनी कार्ड डिटेल्स डालना, और उसके बाद OTP आएगा वो डालना, और सबमिट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको पूरा फॉर्म दिखेगा क्या क्या डाला, वो फिर से चेक कर लेना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना और हो गया आपका। और उसमें जो DUC नंबर रहेगा उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और कैफे में उसकी प्रिंट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।